Hello students, let's talk about stream of consciousness in the novel. So stream of consciousness is what? Stream of consciousness is a literary technique that presents the thoughts and feelings of a character as they occur. Stream of consciousness is a literary technique that presents the thoughts and feelings of a character as they occur. So this technique is a very bold literary innovation of modern period. It records the multifarious thoughts and feelings of a character without regard to logic, argument or narrative sequence. So it's a literary technique that has become common in literary criticism. By this technique, the writer attempts to reflect all the forces, external and internal, influencing the psychology of a character at a single moment. ठीक है, सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक लिटरेरी टेक्निक है, ठीक है, जिसमें एक करेक्टर के थॉट्स और फीलिंग्स को प्रेजेंट किया जाता है एज दे अकर, जैसे 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 उस करेक्टर के उस स्टोरी में थॉट्स और फीलिंग्स उसके दिमाग में आ रहे हैं, जो वो फील कर रहा है, जो उसके थॉट्स हैं, जैसे जैसे वो आए जाते हैं वैसे वैसे वो राइटर जो है वो प्रेजेंट करता चलता है. सो ये टेक्निक जो है एक ये नई सी, एक बोल्ड सा, एक ये डिफिकल्ट सी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सी एक लिटरेरी टेक्निक है, ठीक है, मॉडर्न एज की. तो इसमें क्या है कि बहुत सारे मल्टीफेरियस कई तरह के थॉट्स और फीलिंग्स जो है उनको प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है, लॉजिक से कोई लेना देना नहीं, है ना, ना ही कोई नैरेटिव सीक्वेंस है, ना ही स्टोरी जो बता रहा है राइटर उसका कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस है. सो इट इज अ टेक्निक दैट हैज बिकम कॉमन इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो ये बहुत कॉमन सी टेक्निक हो गई लिटरेरी क्रिटिसिज्म में. तो इस टेक्निक से जो राइटर है वो कोशिश करता है कि वो उन सब फोर्सेस को, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे इंटरनल है ना, जो एक करेक्टर की साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर रही है एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, उसको बता सके, ठीक है. तो इस टेक्निक में क्या हुआ कि एक राइटर क्या बता रहा है स्टोरी, जो इस टेक्निक में क्या होता है कि भाई स्टोरी जो है फ्लैशबैक में चलती है, कभी प्रेजेंट में कभी पास्ट में, है ना, जैसे कि राइटर को, जैसे करेक्टर कुछ कर रहा है, करते करते उसके दिमाग में कोई बात आ गई, तो उसके दिमाग में क्या बात आई, मतलब कौन सी इंसिडेंट उसको पास्ट की याद आई, उस सारी इंसिडेंट को राइटर गोज ऑन राइटिंग, है ना. उसमें 10 पेज कवर हो गए, 15 पेज कवर हो गए. सपोज वन इज टेकिंग ए कप ऑफ टी, चाय पीते पीते उसके दिमाग में पास्ट के कोई इंसिडेंट रिलेटेड याद आ गई, है ना, तो वो उस सारी इंसिडेंट को राइटर जो है वो लिखता चला जाएगा, नॉवलिस्ट लिखता चला जाएगा, और होगा क्या, फिजिकल लेवल पे सिर्फ वो चाहेगा कप ही खत्म हुआ है ना. तो इस तरह से स्टोरी चलती है, फिर आगे फिजिकल लेवल पे थोड़ी सी बढ़ी, फिर कुछ याद आ, मतलब भाई प्रेजेंट किया, उसका माइंड जो है पास्ट में गया, पास्ट से फिर कोई इंसिडेंट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है जैसे, तो राइटर द नॉवलिस्ट गोज ऑन राइटिंग द पेजेस, है ना. तो इस तरह से एक करेक्टर की क्या साइकोलॉजी है, उसके अंदर क्या है, वो क्या फील कर रहा है, उसकी फीलिंग्स को, उसकी थॉट्स को द नॉवलिस्ट गोज ऑन प्रेजेंटिंग, है ना. तो इसमें कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं होती, कोई नैरेटिव सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है. तो ये साइकोलॉजी को एक सिंगल मोमेंट पे कौन से इंटरनल फैक्टर्स, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको नॉवलिस्ट जो है बताता है. तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सेंस परसेप्शंस, थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज, ठीक
ठीक है ना। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, एक कंटिन्यूअस फ्लो है सेंस परसेप्शंस का, थॉट्स का, फीलिंग्स का, मेमोरीज का, है ना, इन द ह्यूमन माइंड। सो इट इज अ लिटरेरी मेथड और रिप्रेजेंटिंग सच अ ब्लेंडिंग ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, है ना, वो बहुत सारे जो मेंटल प्रोसेस हैं उनको मिक्स करके दिखाना फिक्शनल करेक्टर्स में। फिक्शनल करेक्टर्स मतलब जो इमेजिनेशन से करेक्टर्स बताए जा रहे हैं। सो द टर्म इज ऑफन यूज्ड एज ए सिनोनिम फॉर इंटीरियर मोनोलॉग, कई जने इसको सिनोनिम मानते हैं इंटीरियर मोनोलॉग। सो टू रिप्रेजेंट द फुल रिचनेस स्पीड सटिलिटी ऑफ द माइंड एट वर्क द राइटर इनकॉर्पोरेट्स स्नैचेस ऑफ इनकोहेरेंट थॉट्स अनग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस फ्री एसोसिएशन ऑफ आइडियाज इमेजेस वर्ड्स एट द प्री स्पीच लेवल। सो द प्लॉट लाइन में वीव इन एंड आउट ऑफ टाइम एंड प्लेस। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इज कैरेक्टराइज्ड बाय एसोसिएटिव लीप्स इन सिंटैक्स एंड पंक्चुएशन, सो दैट मे मेक द प्रोज डिफिकल्ट। सो अर्ली राइटर्स ऑफ फिक्शन had mostly limited themselves to presenting a character's thoughts and feelings through action or dialogue with other characters. तो शुरू में जो fiction writer थे stream of consciousness technique जिन्होंने use की, तो वो क्या करते थे कि character के thoughts और feelings को उनके action के through, उनके dialogue दूसरे characters के साथ जो हो रहे हैं उसके through बताते थे। So stream of consciousness जो है Writing was stream of consciousness writing was first used in the late 19th century, ठीक है, stream of consciousness सबसे पहले late 19th century में use की गई writers से to break away from the formality of Victorian literature. तो Victorian literature की जो formal writing है उससे अपने आप को break करने के लिए, उससे अलग दिखाने के लिए उन्होंने अलग टेक्निक यूज की जो कि ये वाली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। तो फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आप क्या दिखा रहे हो, फ्लो ऑफ इनर एक्सपीरियंस, है ना। तो सबसे पहले ये किसने यूज किया, विलियम जेम्स ने यूज किया इन प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन 1890। जेम्स रॉट कॉन्शियसनेस डज नॉट अपियर टू इटसेल्फ चॉप्ड अप इन बिट्स, रिवर और स्ट्रीम आर द मेटाफर्स, ठीक है, बाय विच इट इज मोस्ट नेचुरली डिस्क्राइब। सो जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, डीएच लॉरेंस, विलियम फॉकनर, इन सब ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज किया इन देयर नॉवल्स, है ना। सो इन देयर रियलिस्टिक राइटिंग दे स्ट्राइव टू पोर्ट्रे करेक्टर्स इवेंट्स सेटिंग्स इन प्लॉजिबल ऑथेंटिक वेज, ठीक है। तो दिस टेक्निक वॉज पायनियर्ड बाय रिचर्डसन इन पिलग्रिमेज, देन इट वॉज यूज बाय जेम्स जॉयस, देन इट वॉज डेवलप्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ, विलियम फॉकनर, ठीक है। तो राइटर्स हु क्रिएट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वर्क्स ऑफ लिटरेचर दे फोकस ऑन द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस that are taking place in the minds of one or more characters. So important character traits are revealed through an exploration of what is going on in the mind. So important jo characteristics highlight karni hai novelist ne wo kaise karta hai, wo uske mind ko dikha ke ki uske mind mein kya chal raha hai, uske mind ko explore. So the most famous example is James Joyce's Ulysses. So it's a complex evocation of the inner states of the character like Leopold, Molly, Bloom, Stephen Dedalus. Aur kaun hai? Faulkner ka The Sound and the Fury, Wolfe ka The Waves, The Sound and the Fury records the fragmentary and impressionistic responses in the minds of three members of Compson family.
है ना, गॉर्डिमस, जूलीज, पिपिल, टॉल्स्टॉयज, अना कारनीना, सैमुअल बेकेट, मॉली, है ना। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म, है ना, और दे आर द वर्क्स ऑफ कोर्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, दे यूज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस ऑफ मॉडर्न फिक्शन। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है मॉडर्न फिक्शन का। सो दिस टर्म हैज बिकम कॉमन इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑल्सो, एंड देयर इज नो अग्रीड प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म एंड नो कंसेंसस। सो दिस इज कॉज्ड मच मडल इन द फ्यूचर, मच मडल एंड कंफ्यूजन इन डिस्कशंस ऑफ मॉडर्न टेक्निक। Virginia Woolf is a noted novelist using the stream of consciousness technique, to the lighthouse, Mrs. Dalloway. These are the important works of Virginia Woolf using this technique of stream of consciousness. Then James Joyce, he also uses this technique. So what my point is ki matlab stream of consciousness technique mein kya hota hai ki bhi फिजिकल लेवल पे जो स्टोरी है, फिजिकल कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है, तो प्लॉट के हिसाब से, मतलब अगर हम स्टोरी कंटेंट कहें तो वो बहुत कम होता है, फिजिकल लेवल पे स्टोरी में बहुत कम दिखाया जाता है, साइकोलॉजिकल और इनर लाइफ को जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट किया जाता है। जैसे टू द लाइट हाउस में क्या है कि मिसिस डेलोवे है, उनके घर में पार्टी रखी है शाम को, सो शी इज डूइंग प्रेपरेशंस फॉर द पार्टी, ठीक है, और रात को पार्टी हो जाती है, बस बहुत सारे गेस्ट आते हैं और खत्म हो गई बात। इतनी सी स्टोरी है, ठीक है, फिजिकल लेवल पे इतनी सी स्टोरी। इसी तरह से ये टू द लाइट हाउस में है ना, इसी तरह से वो जो है This is in that Mrs. Dalloway में ऐसा है, और टू द लाइट हाउस में क्या था, मिसिस डेलोवी में ही हुआ है कि भी स्टोरी होनी है, रात शाम को पार्टी है और जो मिसिस डेलोवी है वो पार्टी की तैयारी कर रही है, इवनिंग में पार्टी होती है, बहुत सारे गेस्ट आते हैं और पार्टी हो गई, ये स्टोरी कॉन्टेंट है ना। टू द लाइट हाउस में क्या है, मिस्टर रैमसे और मिसिस रैमसे है, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, उनका एक बेबी बेटा है, वो उस लाइट हाउस जाने की के लिए बोलता है, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बीच वाले पार्ट में उनकी मिसेज डेलवी की मिसेज रैमसे की डेथ हो जाती है, और लास्ट वाले पार्ट में मिस्टर रैमसे अपने बेटे जेम्स के साथ वो टू द लाइट हाउस जाते हैं, एंड देन द स्टोरी कम्स टू एन एंड। सो फिजिकल लेवल पे स्टोरी यही है, मतलब एक प्लॉट डेवलपमेंट ये है, जबकि इनर लेवल पे इट्स अ थिक नॉवल हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंटेंट डिस्क्राइबिंग द इनर एक्सप्रेशन, इनर फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स एसोसिएटेड विद देयर मेमोरीज। ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से अबाउट द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन द नॉवल राइटिंग। थैंक यू।